शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, एसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक जेसीबी जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जाए, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जा, पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिन पिए नशा हो जाता है जो शिव के नाम को गाता है। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए, एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सवेरे 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुंचो, तुम एक नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। इतनी ठंड और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवा नमस्तुभ्यम, बोलते बोलते बोलबम का नारा है बाबा एक सा, गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा अलग चल रही, भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है पूरा पावर का, ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है, कोई साधारण है कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। स्थान का नाम है हनुमान, स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह को, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जान, शंकर की अविरल भक्ति को पहचान, शिव भक्ति। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारी जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो यह मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए,
और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया, कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, धीरे धीरे गुद गुद के बनाओ। जो जितना बोले नहीं तुम उतनी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन रही, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई, सवेरे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, एक बजे तक नहीं निकली, दोपहर में एक बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल, क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैंपू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल। अब बोलती है, एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम। हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया और जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूँ बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, ए बाबा। पर एक बात तो कहूं ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा है। कहां? और कहे, दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा वो।